हेलो एवरीवन इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एपडोम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एपिप्लोइक फोरामेन तो देखिए एपिप्लोइक फोरामेन को मैं आपको तीन तरीके से पढ़ाऊंगा पहले आपको मॉडल के थ्रू समझाऊंगा थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा और डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा सो so स्टार्ट करते हैं एपिप्लोइक फोरामेन को हम ओमेंटल फोरामेन भी बोलते हैं और फोरामेन ऑफ विंसलो भी बोलते हैं देखिए एपिप्लोइक मतलब होता है एसोसिएटेड विद ओमेंटम तो ये जो फोरामेन होता है ये ओमेंटम के पीछे होता है इसलिए इसको एपिप्लोइ फोरामेन नाम दिया है और ओमेंटल फोरामेन भी नाम दिया है अब इसी फोरामेन को हमने फोरामेन ऑफ विंसलो की बोला है देखिए एक हमारे एनाटोमिस्ट अनार्ट, थे जेकॉब विंसलो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए इस फोरामेन को फोरामेन ऑफ विंसलो भी बोलते हैं पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे देन हम इसको दे, मॉडल के थ्रू समझेंगे इट इज अ वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग थ्रू विच लेसर सैक कम्युनिकेट विद ग्रेटर सैक एंड इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर ओमेंटम एट द लेवल ऑफ ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तो देखिए अगर हम मॉडल से देखें यह हमने बॉडी का पोस्टीरियर व्यू दिया है यह हमारी ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रा यह हमारी इन्फीरियर मैंने कहा दिस इज राइट किडनी एंड दिस इज राइट सुपरा रिनल ग्लैंड अगर हम अपने एब्डोमेन को देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा व्यू आएगा अब हमें एपिप्लोइ फोरामेन देखना है तो हमें लीवर को डिसेक्ट करना पड़ेगा लीवर को डिसेक्ट कर देंगे तो हमें दिखेगी लेसर ओमेंटम जो लेसर ओमेंटम का राइट फ्री मार्जिन होता है राइट फ्री मार्जिन के पीछे लोकेटेड होता है हमारा एपिप्लोइ फोरामैन और इस एपिप्लोइक फोरामैन के थ्रू ग्रेटर सैक लेसर सैक से कम्युनिकेट करता है मतलब ग्रेटर सैक क्या होता है देखिए अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो ग्रेटर सैक आगे वाली जो खाली जगह होती है उसको हम ग्रेटर सैक बोलते हैं और स्टमक के पीछे खाली स्पेस होता है उसको हम लेसर सैक बोलते हैं तो अगर हमें ग्रेटर सैक से लेसर सैक के में जाना होते हैं मतलब आगे वाली जगह से पीछे वाली जगह में जाना हो तो इस ओपनिंग के थ्रू जाया जाता है दैट इज वर्टिकल स्लिट लाइक ओपनिंग होती है यहां पे और उसी को हम नाम देते हैं एपिप्लोइ फोरमेन सो इट इज अ वर्टिकल लाइक ओपनिंग जिसके थ्रू उसमें ओपनिंग के थ्रू क्या हो रहा है लेसर सेक ग्रेटर सैक से कॉम्युनिकेट कर रहा है और ये कहा लोकेटेड है राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसर रोमेंटम जो हमारा लेसर रोमेंटम है जस्ट उसके राइट फ्री मार्जिन के पीछे एट द लेवल ऑफ ट्वेल्थ थोरेसिक वेटिवरा तो ये कहाँ लोकेटेड है हमारे लेसर रोमेंटम इसका जो राइट फ्री मार्जिन है मतलब ये वाला मार्जिन इसके पीछे लोकेटेड होती है हमारी एपिप्लोइ फोरम नेक्स्ट हम देखेंगे एपिप्लॉइक फोरामैन की बाउंड्रीज के बारे में तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर बाउंड्री देखिये हम पहले भी बात कर चुके हैं जो एपिप्लॉइक फोरामैन होता है इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसरोमेंटम तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसरोमेंटम और राइट फ्री मार्जिन ऑफ लेसरोमेंटम में क्या क्या होता है पोर्टल वेन प्रॉपर हिबाइटिक आर्टरी एंड बाइल डक होती है तो देखिए ये हमारा लेसरोमेंटम लेसरोमेंटम के राइट फ्री मार्जिन के पीछे हमारा एपिप्लॉइक फॉरमेन होता है और इस अगर हम लेसर ओमेंटम को राइट फ्री मार्जिन को देखें तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं एक हमारी पोर्टल वेन होती है एक बाइल डक्ट होती है एक हमारी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी होती है तो एंटीरियरली हमारा है प्रॉपर पो, पोर्टल वेन बाइल डक्ट एंड प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी अगर हम बात करें पोस्टीरियरली पोस्टीरियरली क्या है इन्फीरियर वेना कहवा राइट सुपरा रिनल ग्लैंड एंड टी ट्वेल्व वर्टिब्रा देखिये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था Osionfish. यहां पे हमारा होता है एपिप्लोइक फोरामेन और एपिप्लोइक फोरामेन के आगे तो ओमेंटम है और पीछे क्या होता है एपिप्लोइक फोरामेन इस लेवल पे होता है तो क्या है हमारी टी ट्वेल्व वर्टिब्रा इनफीरियर वैना कहवा एंड राइट सुपरा रिनल ग्लैंड जो हमारे सुपरा रिनल ग्लैंड होता है वो किस किसके लेवल पे होता है टी ट्वेल्व के लेवल पे, पे लोकेटेड होता है नेक्स्ट हम देखेंगे सुपीरियर रिलेशन सुपीरियरली क्या है हमारा कॉडेट लोब ऑफ लिवर तो देखिए हमारा लीवर कुछ ऐसा रखा होता है तो यहाँ पे है हमारी एपिप्लोइ फोरामेन और यहीं पे हमारा आता है अगर हम इसको टर्न करके देखें दिस इज़ ये वाला हमारा दैट इज़ कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर तो इसका सुपीरियर रिलेशन कौन बनाता है कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर देखिए एंटीरियर रिलेशन नहीं है ये यह है सुपीरियर रिलेशन यहाँ पे यहाँ आता है हमारा कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर देन इन्फीरियर रिलेशन क्या है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम एंड हॉरिजोनटल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी तो यहाँ पे हमारा एपिप्लोइ फॉरामन एपीप्लोइक फोराम के नीचे क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डेओडनम और यहीं पे हमारी होती है हॉरिजोटल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी तो हमारे सारी बाउंड्रीज क्लियर हो चुके हैं एंटीरियर बाउंड्री हमने देख ली है एंटीरियर एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंटीरियर बाउंड्री में हमारी एपिप्लोइ फॉरामन में यहाँ होता है पोर्टल वेन बाइल डक्ट और प्रॉपर आर्टरी पोस्टीरियरली हमारी होती है इन्फीरियर मैंने कह हुआ राइट सुपरा रिनल ग्लैंड इन्फीरियर मैंने कह हुआ राइट सुपरा रिनल ग्लैंड और टी ट्वेल्व वर्टिप्रा होती है सुपीरियरली कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर होता है ये कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर सुपीरियरली लोकेटेड होता है और इन्फीरियरली हमारा क्या होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम एंड हॉजोंटल पार्ट ऑफ आर्टरी और नीचे इसमें लोकेटेड होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडनम लास्ट हम बात करेंगे इसको डायग्राम के थ्रू एग्जाम में आपको दो डायग्राम बनाना है एपीप्लोइक फोरामिन का एक ये वाला डायग्राम बनाना है और एक ये वाला डायग्राम बनाना है बहुत ही ईजी डायग्राम है तो हम देखते हैं दिस ये प, जो पहला डायग्राम है एपीप्लोइक फोराम एज सीन इन ट्रांसवर्स सेक्शन एट द लेवल ऑफ ट्वेल्थ थोरेसिक वर्डिप्रा देखिए ये हमारी ह्यूमन बॉडी है अब हमने इस टी ट्वेल्व वर्डिप्रा पे इसका क्या किया ट्रांसवर्स सेक्शन यानी हमने इसको ऐसे काटा है ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है इसका तो हमें कुछ ऐसा व्यू आएगा और हम ऊपर से देख रहे हैं सेक्शन लेने के बाद ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद बॉडी का हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा व्यू आएगा यहाँ पे टी ट्वेल्व वर्टी ब्राइव इसके आगे क्या होती है हमारी इन्फीरियर वेनाकेवा इन्फीरियर वेनाकेवा के आगे हमारा होता है एपिप्लोइक फोराम देखिए ये है हमारा एपिप्लोइक फोराम ये है लेसर सैक और ये हमारा ग्रेटर सैक तो लेसर सैक ग्रेटर सैक से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू दिस फोरेमैन थ्रू दिस ओपनिंग और इसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक फोरेमैन और एपिप्लोइक फोरामैन का एंटीरियर रिलेशन कौन बना रहा है हमारा लेसर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम में भी क्या प्रॉपर हिबैटिक आर्टरी बाइल डक्ट और पोर्टलवेन ये हमारा लेसर ओमेंटम का राइट फ्री मार्जिन है जो पिंक से है और ये हमारा एंटीरियर रिलेशन हो गया ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन हो गया टी ट्वेल्व वर्टिब्रा हो और इन्फीरियर वेना कह और राइट सुपरा रिनल ग्लैंड हो गया देखिए अगर आप एग्जाम में डायग्राम के साथ ये चीज़ बनाते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिंग लगता है आ, ये हमारा जैसे इससे साफ पता चल रहा है ए, ए मतलब एंटीरियरली तो यानी जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर है पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर है इधर वाला पोर्शन लेफ्ट साइड डिनोट कर रहा है एंड इधर वाला पोर्शन राइट साइड डिनोट कर रहा है नेक्स्ट जो हमें डायग्राम पढ़ना है वो है बाउंड्रीज ऑफ एपीप्लोइक फॉराम अब इस वाले डायग्राम में जो ऊपर है वो सुपीरियर है नीचे वाली चीजें इन्फीरियर और इधर पोस्टीरियर और इधर एंटीरियर तो यह है पोस्टीरियर यह हमारा एपिप्लोइक फोरमेन ये एक रास्ता है एपीप्लोइक फोराम और इसके पीछे है हमारी इन्फीरियर क्या हुआ सुप्राजिनल ग्लैंड और टी ट्वेल्व वर्टिब्रा तो पोस्टीरियर रिलेशन क्लियर हो गए कॉर्डेट प्रोसेस ऑफ लीवर होता है सुपीरियरली तो इसका सुपीरियर रिलेशन क्लियर हो गया एंटीरियरली हमारी क्या लोकेटेड होती है बाइडक्ट प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन तो इसके एंटीरियर रिलेशन क्लियर हो गए और इन्फीरियरली हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडोनम होता है और हमारी हर्जेंटल पार्ट ऑफ हिपैटिक आर्टरी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और एपिप्लोईक फॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होपफुली आपको ये याद हो गया होगा तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से और कॉलेज में जितने भी आपके मेडिकोज फ्रेंड्स हैं और अगर और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें थैंक यू